दमोह जिला जेल के अंदर संचालित हो रही अनैतिक गतिविधियों का खुलासा जेल में पदस्थ प्रहरी राम कुमार शाक्य ने किया और इस मामले में उसने एक पत्र विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा है, जिसमें उसने बताया कि जिला जेल में कई अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। उसने अपने ही सहयोगी स्टाफ पर उसे प्रताड़ित करने और जिला जेल में बंद पथरिया विधायक रामबाई के देवर चंदू सह पर आरोप लगाया है और कहा कि वह जेल को ठेके पर चलाता है, उसी के अनुसार स्टाफ की ड्यूटी लगती है, जो उसकी बात नहीं मानता उसे दूसरे जेल में अटैच कर दिया जाता है। साथ ही उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि जेल में शराब, गांजा, मादक पदार्थ, यहां तक के अवैध कार्यों के लिए जेल में बंद कैदियों की प्रेमिकाएं और अन्य महिलाएं भी पहुंचती हैं। जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे दूसरी जेल में अटैच कर दिया जाता है। साथ ही कहा कि जब इस तरह के अवैध गतिविधियां होती हैं तो कमरे बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि वर्तमान में प्रहरी राम कुमार शाक्य सेंट्रल जेल भोपाल में अटैच हैं। किस वजह से अटैच किया गया है इसका खुलासा नहीं हो सका। मैं प्रहरी राम कुमार शाक्य जिला जेल दमोह में 2019 से पदस्थ हूँ। मेरी ड्यूटी के दौरान मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित मुख्य प्रहरी प्रीतम हेड साहब, पुष्पेंद्र चौहान, रजनी प्रजापति प्रहरी, प्रहरी आशीष तिवारी द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मैं अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी सामग्री इन्हीं के द्वारा पहुंचाई जाती है और महिलाओं को भी इनके द्वारा फोन इनके द्वारा किए जाते हैं और अगर मैं अपनी ड्यूटी के दौरान कोई शिकायत करता हूं तो जो मेरे को अटैचमेंट करा दिया जाता है। विचार दीन बंदी चंदू सिंह के कहने पर ही जेल का पूरा शराब, दारू, महिलाएं, गांजा, चरस, सिगरेट, बीड़ी, नशेंजी पदार्थ हाल भेजा जाता है। श्रीमान चंदू सिंह के कहने पर जिला जेल दमोह ठेके पर ही चल रही है, उनके द्वारा ही प्रहरियों का ड्यूटी चंदू सिंह के कहने पर ही लगाया जाता है और जो चंदू सिंह के खिलाफ जो कोई आवाज़ उठाता है उनका स्थानांतरण अन्य जेलों पर कर दिया जाता है, अटैचमेंट कर दिया जाता है। जी श्रीमान, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, ये राजनीतिक प्रभाव है। हम जब कोई भी बात को यकीन करते हैं या किसी से कहते हैं तो मेरी बात को नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका प्रभाव राजनीतिक संबंध से है। नहीं हो पाती श्रीमान जी, जिस समय उनके आवत सामान आया जाता है या महिलाएं आती हैं उस समय के लिए कैमरा बंद कर दिए जाते हैं। वहीं इस मामले में दमोह उप जेल अधीक्षक सीएल प्रजापति ने कहा है कि आरोप लगाने वाला प्रहरी खुद विवादित है, उसके ऊपर दो आपराधिक मामले चल रहे हैं और जेल में रिश्वत लेने का भी आरोप है। इन्हीं सब गतिविधियों की वजह से उसे भोपाल अटैच किया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे बंद होने की बात पर कहा कि ऐसा संभव ही नहीं कि यहां के कैमरे बंद हों। राम कुमार प्रहरी, जो राम कुमार शक प्रहरी है, वो स्वयं विवादित प्रहरी है। उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच लंबित है, अनूपपुर जेल में अटैच था। उस समय उसने बंदियों के परिजनों से फोन पे से पैसा लिया था, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो सस्पेंड हुआ था और उसमें विभागीय जांच चल रही है। दूसरा, उसके विरुद्ध दो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज थे, जिसमें से एक में फैसला हुआ है, दूसरे में अभी भी प्रकरण विचाराधीन है और उन प्रकरणों में भी विभागीय कार्रवाई भी चल रही है कि वो प्रकरण अगर साबित होते हैं तो इसको बर्खास्त किया जाएगा संबंधित सिपाही को। और दूसरा ये कि वो भोपाल जेल, यहाँ से भोपाल जेल अटैच करने के कारण द्वेषपूर्ण भावना से उसके द्वारा ये शिकायत की गई है, जो पूर्णतः मिथ्या, निराधार, असत्य है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जिस कुछ प्रहरी, जैसे ऑफिस वाले प्रहरी हैं या कोई प्रमुख मुख्य प्रहरी है जो छुट्टियों को देखता है या छुट्टियों के बारे में काम करता है, वेतन देखता है, तो वो समय पर यदि उनने काम नहीं किया तो उस उन पे ये दबाव डालता था, नहीं काम किया तो इस द्वेषपूर्ण भावना से उनके उसने नाम लिख दिए कि वो भी ऐसा करते हैं,
और जबकि यहाँ पर जेल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, सभी लोगों की विधिवत तलाशी होती है, प्रतिदिन एक बैरिक की तलाशी कराई जाती है, माह में समस्त बैरकों की एक बार तलाशी कराई जाती है, प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी कराई जाती है। इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है जिस तरह से उसने जेल की छवि की धूर्मिल करने के लिए इस तरह से आरोप लगाए हैं, बिल्कुल मिथ्या, निराधार है, असत्य है। जहाँ तक माननीय न्यायालय को यदि उसने आवेदन प्रस्तुत किया है तो माननीय न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और उसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि दोषी है या निर्दोष है, दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कैमरे कोई व्यक्ति नहीं बंद करता है, कैमरे हमेशा चालू रहते हैं, 24 घंटे चालू रहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी एक महीने तक की रहती है। और कुछ कैमरे ऐसा है कि यहाँ जेल में कुछ चूहे कभी ऐसा है कि कुछ जगह काट देते हैं, तो वो कैमरे अगर बंद हो जाते हैं तो उसको दुरुस्त कराया जाता है। वहीं इस मामले में विधायक रामबाई ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए इस तरह की बातों को उठाया जा रहा है। जेल में जो हमारा नाम जोड़ा जा रहा है और हमारी छवि खराब की जा रही है, ये सारे आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं और चुनाव नजदीक है, इसीलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए गए हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमने आज तक जनता के प्रति सदा काम करो है, ईमानदारी से करो है, दिल से करो है। और इसी चीज़ को लेखें जो हमारी छवि है क्षेत्र में और हमारी जो बहुत अच्छी स्थिति है क्षेत्र में, इसको धुंधली करवे के लाने और जनता को भ्रमित करवे के लाने ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने जब शिकायत करी है, वो व्यक्ति खुद 1.5-2 महीने से भोपाल में अटैच है और अनूपपुर में खुद पैसों के आरोप में सस्पेंड है, वो खुद रहा। और दूसरी बात, इसी में जेल के ही कर्मचारियों की उसने शिकायत की है। इन निराधार बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आज हम पूरे पथरिया की जनता और दमोह जिले की जनता से, आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से खबर दे वो चाहत हैं कि हमारे प्रति सारे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं, हमारे लाने तोड़वे के लाने, हमारे लाने परेशान करवे के लाने, हमारी छवि धुंधली करवे के लाने। आप लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल ना दें जो झूठे हैं। जो मामला बताया गया है, जो कथित तौर पर बताया जा रहा है, वह एक गंभीर मामला है जो सामने आ रहा है और इसकी सूचना जो जेल प्रहरी हैं उन्होंने माननीय न्यायाधीश को करी है। वहाँ पे माननीय न्यायाधीश इसको जांच के लिए हमारे पास भेज रहे हैं, जिसमें जांच समिति बनाकर इसकी जांच करी जाएगी और गड़बड़ी पाई गई तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में एक मुझे मतलब 2-2.5 महीने पहले करीब में एसपी साहब हमारे द्वारा विजिट की गई थी, जिसमें कैमरे उनके दिक्कत पाए गए थे और उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई करने हेतु लिखा था। और अगर इसमें भी इस मैटर में भी कोई कार्रवाई होती है, गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसमें कार्रवाई होगी। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।